चंद्रा को जानता हूँ, ले जा रही थी। जब रिटर्न करते हुए मुझे लेके गए बस पे, तो ले जाते वक्त मेरे पूरे कपड़े उठा दिए थे उस साइड, मैंने बोला कि यहाँ पे एकाध तो मीडिया थी, मैंने बोला कि यहाँ पे मीडिया आप लोग मेरे कपड़े नीचे कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े नीचे नहीं किए, बोले कि चुपचाप चल, गाली देते हुए गेट खोलिए। और जब मुझे बस पे ले गए, मैं मुझे वहाँ पर बैठाया, मैं फ़ोन करने वाली थी दोस्तों को कि मुझे डिटेन कर लिया गया है, मेरा फ़ोन छीन लिया गया है वहाँ पे। उसके बाद मेरे एक दोस्त को अबू दर्दा को वो लोग डिटेन करके ले जा रहे थे, तो उसको डिटेन करते हुए मारते हुए ले जा रहे थे, तो मैंने बोला कि आप ले जा रहे हो आराम से लीजिए, मारिए मत। तो मैं बस के अंदर बैठी थी, एक मेल पुलिस आता है बस के अंदर, मुझे मेरे मुँह पे एक थप्पड़ मारता है, मार के बोलता है कि तुम प्रोटेस्ट करोगी, चुपचाप बैठो। उसके बाद उस बस में सिर्फ मैं ही अकेली महिला होती हूँ जिनको मुझे डिटेन किया गया होता है, सारे मेल पुलिस रहते हैं, सिर्फ दो फीमेल पुलिस वहाँ पर रहती है, सारे मेल पुलिस मुझे गाली देते हैं और मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है उस बस में। उसके बाद मैं उनसे बोलती हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है मेरे पेट में, मेरे हाथ में, आप मुझे बस के दर्द का टैबलेट दे दीजिए, लेकिन वो बोलती कि हम नहीं देंगे, चुपचाप बैठो वरना हम मतलब तुमको बाहर मार देंगे, पीटेंगे, तरीके का बोलते हैं। उसके बाद जब हमें बदरपुर थाने में ले जाया जाता है, तो वहाँ पे हमारे साथियों से मुझे अलग बैठाया जाता है और नीचे रख दूँगा, फिर मेरा पता लिखते हैं तो जगह ही नहीं है, जगह हमारे घर वालों को देख लेंगे। पुलिस वाले मुझे धमकी देते हैं कि हम तुमको तुम्हारे घर वालों को देख लेंगे। उसके बाद जब मैं बोलती हूँ कि आप मेरा फोन दे दीजिए, तो बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा बोल रही हो, तुमको यहाँ से अभी बाहर भेज देंगे, पुलिस वाले ने मुझे ऐसा बोला। और उसके बाद जब बस में बैठी थी तो वहाँ पर बोले कि हमारा अधिकार है, हमारा लोकतंत्र है, संविधान को मानते हैं। तो वो बोला पुलिस वाले भी दो लोग हैं, हम तुम्हारे संविधान को नहीं मानते हैं। उसके बाद जो काफी जो हमारे साथ उन्होंने मारा, मेरे पैर पे, मेरे थाई पे उन्होंने फुट रख के मसल दिया पैर को, उसके बाद मेरे पैर पे भी उन्होंने एक आंखों लाठियाँ मारा, हाथ पे मारा, पेट पे उन्होंने लाठियाँ मारी है, मेरे पेट के नीचे उन्होंने मारा, चेस्ट के बगल में मारा उन्होंने, कपड़े मेरे पूरे उठा लिए गए थे और तमाम तरह की उन्हें गालियाँ दे रही थी। जो हमारी महिला साथी थी उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया गया है, इनका पूरा बना बनाया मजाक था। हमें उस 10 तारीख को लाठियों से उस तरीके से पिछले निवारक की मीडिया वहाँ पे थी, वो हमें जो इनकी चोरी छुपे हर पर वार किया जा रहा था, पुरुष से मार रहे थे, कैदियों से मार रहे थे, जो नीचे महिलाएं गिर जा रही थी उनके ऊपर लाठी मारा जा रहा था, उनके कपड़े उठा लिए जा रहे थे, मेल पुलिस बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया जाता। ऐसा उनका रवैया था कि वो 15 तारीख के दिन ज़्यादा वो हमें एकदम खौफ दिखा रहे थे अपना कि ये डर जाएंगे, गालियाँ देना, मारना, पीटना, अभद्रता के साथ शब्दों का प्रयोग करना, ये सारा चीज़ दिल्ली पुलिस का रवैया इतना खराब हो गया है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इस देश के स्टूडेंट हैं, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तो आप हमें क्यों नहीं जाने देते हैं बात। अब ये रफिया रखेंगे उनका भी इंजरी देख सकते हैं।